इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है जिसके अंदर हम जानेंगे कि कॉगुलेशन कास्केड क्या होता है एंड आप कैसे दो पाथवेज के जरिए आपके बॉडी के अंदर एक थ्रोम्बस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक्स क्लियर करना चाहें तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जो आपकी ब्लड वेसल होती है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको आप कहेंगे एंडोथीलियम, उसकी कभी कभी डैमेज हो जाती है। देयर इज अ क्रैक इन द लेयर ऑफ द एंडोथीलियम। ये जो क्रैक है दिस विल गिव राइज टू टू प्रोसेसेस इन योर बॉडी। पहले प्रोसेस को एंड में आपको मिलेगा एक फिब्रिन मेश और दूसरे प्रोसेस के एंड में आपको मिलेंगे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। जब ये फिब्रिन मेश की एक लेयर आ जाती है और इस लेयर के ऊपर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स चिपक जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मिलता है और आप इस कॉम्प्लेक्स को नाम देते हो थ्रोम्बस। लेमन लैंग्वेज के अंदर इस थ्रोम्बस को आप कहते हैं एक क्लॉट। तो अभी तक आपने समझा कि जो क्लॉट है इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ फिब्रिन एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फिब्रिन का मैश कैसे बनता है। फिब्रिन मैश जो बनता है वो बनता है आपके कॉगुलेशन कैस्केड के द्वारा। कॉगुलेशन कैस्केड के अंदर बहुत सारे कॉगुलेशन फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो कॉगुलेशन फैक्टर्स होते क्या हैं? कॉगुलेशन फैक्टर्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी डिजॉल्व्ड हैं। राइट नाउ मेरे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, हम सब के ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये कॉगुलेशन फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। बट इनकी खासियत क्या है? राइट नाउ वो इनएक्टिव हैं और इनएक्टिवेटेड कॉगुलेशन फैक्टर्स को हमने नाम दिया जाइमोजेंस। तो ये इनएक्टिव क्यों है? इनएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड होते तो ये क्या बना देते? ये बना देते फिब्रिन मैश। और फिब्रिन मैश से अभी हमने सीखा फिब्रिन मैश गिव्स राइज टू अ थ्रोम्बस। तो आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर फ्रीली क्या फ्लोट कर रहा होता? क्लॉट। और ये जो क्लॉट है ये कोई भी नैरो वेसल के अंदर जाके फंस जाए, जैसे कि आपके लंग हो गया, आपके वेन्स हो गए पैर के अंदर, तो ये दोनों के दोनों कैन गिव राइज टू कंडीशंस सच एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एंड आप ये नहीं चाहेंगे कि नॉर्मली आपके बॉडी के अंदर ये सारे दिक्कतें हों। तो इसलिए यूजली एट फिजियोलॉजिकल स्टेट्स आपके जितने भी कॉगुलेशन फैक्टर्स होते हैं दे आर ऑल इन इनएक्टिव फॉर्म, और इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे जाइमोजेंस। बट जब भी आपके एंडोथीलियल डैमेज होता है तो क्या बनता है? ये सारे के सारे जाइमोजन एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल अभी हम देखते हैं। अगर एक फैक्टर 10 नाम का एक फैक्टर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर तैर रहा था और ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर था, जैसे ही एंडोथीलियल डैमेज होती है ये इस फैक्टर इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके क्या बना देगा? फैक्टर 10A। तो फैक्टर 10A के अंदर जो ए है इट विल स्टैंड फॉर एन एक्टिवेटेड फैक्टर। तो सिंस आप पूरे बेसिक समझ चुके हैं तो सीधा हम कॉगुलेशन कास्केड कैसे बनता है वो सीखते हैं। तो कॉगुलेशन कास्केड की सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर रहता है जिसका नाम है फैक्टर 10। फैक्टर 10 एक्टिवेट करके फैक्टर 10A बनाएगा जो कि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। तो वंस आपको ये पता लग जाए कि फैक्टर 10 कन्वर्ट्स टू फैक्टर 10A और यही है सेंटर ऑफ द कॉगुलेशन कास्केड, तो आपको पता लगाना है कि जो ये फैक्टर 10 है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कन्वर्ट्स द फैक्टर 2 इंटू फैक्टर 2A। फैक्टर 2 को आप कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 2A को आप बोलते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन सब्सिक्वेंटली इन योर ब्लड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फैक्टर 1 टू द एक्टिव फैक्टर 1A। फैक्टर 1 आपके फॉर्म आपके ब्लड के अंदर फैक्टर 1 को बोलेंगे हम फिब्रिनोजन एंड फैक्टर 1A को आप बोलेंगे फिब्रिन। तो यहाँ आपने देख लिया कि कैसे फैक्टर 10 के एक्टिवेशन से आपने फिब्रिन बना दिया। तो जो फिब्रिन है, जो फैक्टर 1A है, इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, जितने भी जाइमोजेंस थे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो सारे के सारे सॉल्यूबल थे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, बट ये जो फिब्रिन है फैक्टर 1A है इट इज़ इनसॉल्यूबल। एंड क्योंकि इनसॉल्यूबल है इट कम्स आउट ऑफ योर ब्लड एंड मेक्स अ मैश। तो आपको क्या मिलता है इनमें? एक फिब्रिन मैश।
और ये फिब्रिन मैश क्या करता है, जो आपके एंडोथीलियल लाइनिंग जो ब्रेक कर गई थी, उस एंडोथीलियल लाइनिंग के ऊपर ये सीमेंट बना के उस एंडोथीलियल लाइनिंग को कंटिन्यूस बनाएगा। तो हमने क्या सीखा कि फैक्टर 10 कन्वर्ट्स इनटू फैक्टर 10 ए, बट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर 10 को फैक्टर 10 ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो इसी के ही दो तरीके हैं, पहला तरीका है एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड सेकेंड तरीका है इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये दो पाथवेज है जिनको आप लेकर फैक्टर 10 को फैक्टर 10 ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में समझते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर एक इजी तरीका ये है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे का ई स्टैंड्स फॉर एंडोथीलियल डैमेज। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे किससे शुरू होगा, वेन एवर आपके वैस्कुलेचर के एंडोथीलियम में कोई डैमेज होगी तो उससे एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए एक ब्लड वेसल बना रखा है, ये ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है, ये ब्लड वेसल का ल्यूमन है और ये एंडोथीलियल के अंदर एक सब एंडोथीलियल लेयर है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपके ल्यूमन के अंदर आरबीसीज फ्लोट कर रहे हैं एंड एक ऐसा जाइमोजन है जिसका नाम है फैक्टर सेवन। तो ये आपकी एक नॉर्मल ब्लड वेसल मैंने बना रखी है। अब हम समझते हैं कि ये जो एंडोथीलियल है वहाँ पर क्या हो गया, एक डैमेज हो गया, एक ब्रेक आ गया। जैसे आपने देखा कि एंडोथीलियम के अंदर ब्रेक आया तो जितना भी जो ब्लड है, द ब्लड इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ, जो ब्लड है वो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किस लेयर से, सब एंडोथीलियल लेयर से। और इस सब एंडोथीलियल लेयर की एक खासियत है कि ये जो सब एंडोथीलियल लेयर है ये एक फैक्टर सेक्रीट करता है जिसको हमने नाम दिया द टिश्यू फैक्टर। तो ये टिश्यू फैक्टर है जो कि पहले ब्लड स्ट्रीम में नहीं था, बट आफ्टर द एंडोथीलियल डैमेज ये सब एंडोथीलियल सेल्स, सब एंडोथीलियल लेयर ने ये टिश्यू फैक्टर सेक्रीट किया ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये जो टिश्यू फैक्टर है ये कंबाइन करेगा आपके फैक्टर सेवन के साथ। याद रखिएगा फैक्टर सेवन इज अ सॉल्यूबल प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर और ये एक जाइमोजन है, दैट इज़ इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर है। बट जैसे ये टिश्यू फैक्टर जो कि सब एंडोथीलियल टिश्यू से बाहर निकला और इसने कंबाइन किया अपने आप को फैक्टर सेवन के साथ, ये दोनों के दोनों मिला के क्या करते हैं, फैक्टर सेवन को एक्टिवेटेड फॉर्म फैक्टर सेवन ए के अंदर कन्वर्ट करेगा। टिश्यू फैक्टर का दूसरा नाम है फैक्टर थ्री। तो मैंने इसको कैसे याद किया था अपने टाइम पर, फैक्टर थ्री जब कंबाइन किया फैक्टर सेवन के साथ तो आपको क्या दिया, फैक्टर टेन। वेरी इजी। तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे, टिश्यू फैक्टर व्हेन इट मेड अ कॉम्प्लेक्स विद फैक्टर सेवन ए, उसने क्या किया, अगेन इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो कि एक जाइमोजन है जो कि प्रेजेंट है एक सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसके साथ अटैच किया और इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 को कन्वर्ट किया उसने एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ए के अंदर। तो आपने देखा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे कितनी फटू चीज़ है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सब एंडोथीलियल लेयर ने टिश्यू फैक्टर रिलीज किया, फैक्टर 7 आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 7 के साथ कंबाइन करके फैक्टर 7 को एक्टिवेटेड फैक्टर 7 बनाया, इस कॉम्प्लेक्स ने मिलकर फैक्टर 10 जो कि अगेन ब्लड में था उसको फैक्टर 10 ए में कन्वर्ट किया। फैक्टर 10 ए जैसे हम बात कर चुके हैं, फैक्टर 10 ए क्या करता है, प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट करता है एंड थ्रॉम्बिन इन टर्न फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। इसके एंड में आपको एक लाइन बहुत ही ध्यान से याद रख के रखनी पड़ेगी हमेशा कि थ्रॉम्बिन मेक्स मोर थ्रॉम्बिन। इसका क्या मतलब है कि जो थ्रॉम्बिन है यहां पर ये अपने आप को पॉजिटिवली अप रेगुलेट करता है। तो इस लाइन को एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, थ्रॉम्बिन मेक्स मोर थ्रॉम्बिन। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द बेसिस फॉर इंट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि एक बार आपका फैक्टर 10 ए बना देता है और फैक्टर 10 ए फैक्टर 2 को 2A में कन्वर्ट करता है जिसको हम थ्रॉम्बिन बोलते हैं, ये जो थ्रॉम्बिन है ये अपने आप को पॉजिटिवली अपरेगुलेट करता है। तो आइए जानते हैं कि ये इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू कैसे थ्रॉम्बिन अपने आप को अपरेगुलेट करता है। एक बार हम इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आ जाते हैं तो जो थ्रॉम्बिन है वो फैक्टर 5 को एंड फैक्टर 8 को एंड फैक्टर 11 को फैक्टर 5A फैक्टर 8A एंड फैक्टर 11 में कन्वर्ट करता है। इसको याद करने का इजी तरीका ये है कि फैक्टर 5 प्लस 3 आपको फैक्टर 8 देगा, फैक्टर 8 प्लस 3 आपको फैक्टर 11 देगा। तो देखिए, आपके पास फैक्टर 10A था, 10A ने थ्रॉम्बिन बनाया, थ्रॉम्बिन ने हमें 5A 8A एंड 11A दिया।
आगे जाके इस साइकिल में क्या होता है कि फैक्टर 11 ए यूजेस फैक्टर 8 ए एज अ को फैक्टर और हमें एक और एक जाइमोजन जो ब्लड में फ्लोट करा जिसका नाम था फैक्टर 9 को कन्वर्ट करता है वो फैक्टर 9 ए के अंदर. फैक्टर 9 ए आगे जाके क्या करता है, एज लक वुड हैव हैड इट, फैक्टर 10 को फैक्टर 10 ए में कन्वर्ट करता है और फैक्टर 10 ए आपको ऑलरेडी पता है कि फैक्टर 2 को फैक्टर 2 ए में कन्वर्ट करके जो कि क्या था, थ्रोम्बिन. तो आपने क्या देखा, पूरा का पूरा साइकिल एस कम इन फुल सर्कल, एक लूप है. फैक्टर 2A ने फैक्टर 5A, फैक्टर 8A, फैक्टर 11A बनाया विच सब्सिक्वेंटली मेड फैक्टर 9A और इन सारे फैक्टर्स ने मिलके किसको, फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में कन्वर्ट किया और फैक्टर 10A ने फैक्टर 2 को 2A में कन्वर्ट किया और आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन फैक्टर 2A मिला, जिसको हम सेकेंड वर्ड जो हम कहते हैं वो है एम्प्लीफिकेशन. और इसमें जो एम्पलीफायर्स थे वो आपके थे फैक्टर 5, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 11. अब आप कॉगुलेशन कास्केड की फिजियोलॉजी समझ चुके हैं, अब ज़रा सा हम क्लिनिकल ओरिएंटेशन बनाएंगे इस टॉपिक का. मैं इस क्लिनिकल ओरिएंटेशन बनाने से पहले आपको दो बातें बताना चाहूँगा. सबसे पहले ये कि जो फैक्टर 8 है आपके इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, ये एंडोथेलियल सेल सिंथेसाइज करती हैं. बाकी जितने भी फैक्टर्स थे आपके बॉडी के अंदर दे आर ऑल मेड अप बाय लिवर, बट जो फैक्टर 8 है ये आपकी एंडोथेलियल सेल्स द्वारा बनाई जाती है. सेकेंड चीज़ फैक्टर 8 की ये है कि फैक्टर 8 इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल इन योर ब्लड, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज बाउंड टू वॉन विलिब्रिन फैक्टर. अब मुझे अपने फिजियोलॉजी के दिन याद है, ये जो वर्ड है वॉन विलिब्रिन फैक्टर, ये सुनते ही मैं हाथ धो बैठता था कि चलो आज ना हो पाएगा, अब मैं अपने बुक्स बंद कर रहा हूँ. बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल सा टॉपिक है. अभी आपको बस मेरे साथ बने रहना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो फैक्टर 8 है इट इज़ बाउंड विथ फैक्टर विथ वॉन विलिब्रिन फैक्टर. इस कॉम्प्लेक्स का बनाने का मकसद क्या है, जब फैक्टर 8 वॉन विलिब्रिन फैक्टर के साथ बाउंड होगा तो इससे क्या होगा कि जो फैक्टर 8 है उसका प्लाज्मा हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज़ उसके लेवल इन द प्लाज्मा विल ऑलवेज बी इंक्रीज. और जब भी आपको कॉगुलेशन इंड्यूस कराने की जरूरत होगी तो हमेशा फैक्टर 8 की मैक्सिमम क्वांटिटी उस समय अवेलेबल होगी. सेकेंड चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता था कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया कैन बी डिफाइंड एज ईदर अ डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 और अ डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9. अगर फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होगी तो इस टाइप की ब्लीडिंग डिसऑर्डर को हम कहते हैं हीमोफीलिया ए, अगर फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होगी तो इस टाइप के ब्लीडिंग डिसऑर्डर को हम कहेंगे हीमोफीलिया बी. तो आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इतना समझने के बाद. पहला क्वेश्चन ये है आपको कि अगर एक पेशेंट आपको मिलता है जिसका मैं अगर आपको बताता हूँ कि इस पेशेंट की वॉन विलिब्रिन फैक्टर की डिफिशियंसी है इस पेशेंट के ब्लड के अंदर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है. आप इस वीडियो का भी पॉज करके खुद सोच सकते हैं कि अगर इस पेशेंट को अगर वॉन विलिब्रिन फैक्टर की डिफिशियंसी होगी तो इस पेशेंट को क्या दिक्कत होगी. तो चलिए देखते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर 8 है वो कभी भी फ्रीली अवेलेबल नहीं होता आपके ब्लड के अंदर, इट इज़ ऑलवेज बाउंड विथ वॉन विलिब्रिन फैक्टर. और मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट है उसके अंदर वॉन विलिब्रिन फैक्टर की डिफिशियंसी है. तो इससे क्या होगा, अगर वॉन विलिब्रिन फैक्टर किसी पेशेंट के अंदर कम है तो फैक्टर 8A इस पेशेंट के अंदर ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा ब्लड के अंदर. और मैंने आपको क्या बताया, अगर 8A आपके अगर 8 फैक्टर 8 आपके ब्लड के अंदर फ्रीली मूव करेगा तो उसके वजह से क्या होगा, उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका फैक्टर 8 के लेवल्स हमेशा कम होंगे. अब फैक्टर 8 के लेवल कम होने से क्या दिक्कत हो सकती है, दिक्कत ये होगी कि अब जब फैक्टर 11A को फैक्टर 9 को फैक्टर 9A में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए उसको 8A की ज़रूरत पड़ेगी एज अ को फैक्टर, वो उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है, क्योंकि वॉन विलिब्रिन फैक्टर नहीं है. तो फैक्टर 11A वुड नॉट बी एबल टू कन्वर्ट 9 to 9A. और इस सब के एंड में क्या होगा कि फैक्टर 9A वुड नॉट बी एबल टू कन्वर्ट फैक्टर 10 to 10A. और इस चीज़ की वजह से क्या होगा कि इंट्रिंसिक पाथवे स्लोज डाउन अ लॉट. अगला क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछना है वो ये है कि व्हाट इफ दिस पेशेंट हैड हीमोफीलिया ए या फिर हीमोफीलिया बी. मैंने आपको क्या बताया था, हीमोफीलिया ए इज द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड हीमोफीलिया बी इज द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9.
अगेन हीमोफीलिया ए हम देखते हैं, हीमोफीलिया ए के अंदर क्या है कि फैक्टर एट नहीं है, फैक्टर एट नहीं होगा तो क्या फैक्टर नाइन ए बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि फैक्टर इलेवन ए के पास फैक्टर एट ए नहीं है एज अ को फैक्टर, और अगर फैक्टर नाइन ए नहीं बन पाया तो फैक्टर टेन ए नहीं बनेगा एंड कोगुलेशन कास्केड आगे नहीं बढ़ेगा. हीमोफीलिया बी द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नाइन, अगेन अगर फैक्टर नाइन नहीं है तो 11A के पास कोई सबस्ट्रेट ही नहीं होगा जिस पे वो एक्ट करके उसको एक्टिवेट करके 9A बना पाया, और क्योंकि देर इज नो 9A तो 9A ना होने की वजह से अगेन फैक्टर 10 को हम 10A में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. तो दोनों ही डिजीजेस के अंदर, पहला वॉन ब्रियन फैक्टर की डिफिशेंसी, दूसरा हीमोफीलिया, दोनों ही डिजीज में क्या हो रहा है, हमारे पास फैक्टर 10A नहीं आ पा रहा क्योंकि फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में कन्वर्ट करने के लिए कोई एम्पलीफायर्स ही नहीं है हमारे पास. फैक्टर 10A नहीं है तो हमारे पास क्या क्या नहीं है, फैक्टर 2A नहीं है, फैक्टर 1A नहीं है. बेसिकली इन दोनों डिजीज के अंदर फिब्रिन मेश बनाना बहुत ही कठिन होगा, विच विल गिव राइज टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स.